प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ रहे थे एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एवीज। ऑल बर्ड्स आर इंक्लूड्स इन एवीज, दे आर ऑरिजिनेटेड इन लेट जुरेसिक पीरियड ऑफ मेजोजोइक एरा, दे आर ओरिजिनेटेड इन लेट जुरेसिक पीरियड इन मेजोजोइक एरा एंड एडवांस्ड इन क्रिटेशियस पीरियड, यानी बर्ड्स की जो उत्पत्ति हुई है वो कब, लेटर जुरेसिक पीरियड के अंदर, और जो एडवांस बर्ड है वो डेवलप हुए कब, क्रिटेशियस पीरियड में। द स्टडी ऑफ एवीज और स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी एंड डॉक्टर सलीम अली वाज ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट। दे आर नोन एज इंडियन बर्डमैन। स्टडी ऑर्निथोलॉजी एंड डॉक्टर सलीम अली वॉज ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट इन इंडिया, दे आर ऑल्सो नोन एज इंडियन बर्डमैन। बॉडी इज डिवाइडेड इन टू हेड नेक थोरेक्स नेक हेड नेक एब्डोमेन एंड टेल, एब्डोमेन एंड टेल। नेक्स्ट बॉडी इज कवर्ड बाय स्मूथ फीदर्स, स्मूथ फीदर्स यानी एक्सोस्केलेटन। दे फॉर्म ए कवरिंग अराउंड ऑल ऑल द बॉडी कॉल्ड प्लूमेज। Body is covered by smooth feathers. They form exoskeleton and the covering around the whole body is called plumage. Next, skin is dry non-glandular. Skin is dry and non-glandular. Only oil glands which are known as preen glands are present at the base of tail. कार्ड यूरोपाइजियम है ना, केवल इनमें इनकी टेल के बेस पर ऑयल ग्लैंड्स जिनको अपन बोलते हैं प्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। दे मेक फीथर्स स्मूथ
एंड वाटरप्रूफ। ये इनके फीचर्स को स्मूथ और वाटरप्रूफ बनाते हैं। कौन? प्रीन ग्लैंड्स, जो ऑयल सीक्रेट करती हैं। नेक्स्ट है दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, टू पेयर्स ऑफ लिम्स। फॉर लोकोमोशन एंड स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग द ब्रांचेज ऑफ प्लांट्स, टू पेयर्स ऑफ लिम्स। The hind limbs have scales, या फिर ये कह सकते हैं कि scales are present only on hind limbs and fore limbs are modified into wings. Forelimbs are modified into wings. Next, elementary canal is complete. Opens into cloaca and have two extra chambers crop and गीजार्ड। आहार नाल कंप्लीट है जो क्लोइका में ओपन हो रही है और इसमें दो एक्स्ट्रा चैम्बर है, यानी ये कह सकते हैं द इसोफेगस इज मॉडिफाइड इनटू टू एक्स्ट्रा चैम्बर्स क्रॉप एंड गीजार्ड विच आर रेस्पेक्टिवली फॉर storage of food and crushing of food। यानी इनकी एलिमेंट्री कैनाल में दो एक्स्ट्रा चैम्बर है जो क्या बोलेंगे उनको, क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप किसके लिए? फूड को स्टोर करने के लिए, एंड गिजार्ड हेल्प्स इन क्रशिंग द फूड। Next, they also crop, also secretes pigeon milk by both sexes. Male or female, दोनों में pigeon milk is secreted, which is the product of crop. For respiration spongy lungs are present which are also connected with air sacs, and air sacs are helps in
respiration and also helps in flying. यहाँ पर देखा आपने कि एलिमेंट्री कैनल हैव टू एक्स्ट्रा चैम्बर्स क्रॉप एंड गिजार्ड विच आर रेस्पेक्टिवली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड क्रशिंग द फूड एंड क्रॉप सीक्रेट्स पिजन मिल्क विच इज सीक्रेटेड बाई बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल्स रेस्पिरेशन थ्रू स्पंजी लंग्स एंड विच आर कनेक्टेड विद एयर सैक्स द एयर सैक्स हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एज वेल एज दे आर ऑल्सो हेल्प्स इन फ्लाइंग. नेक्स्ट है साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. प्रोड्यूसिंग ऑर्गन सेरिंग्स इज प्रेजेंट. नेक्स्ट दे हैव लास्ट टू वर्टिब्रीज फ्यूज एंड फॉर्म सिंसेक्रम. लास्ट की कुछ वर्टिब्री है वो फ्यूज होकर के बना रही है सिंसेक्रम स्ट्रक्चर सिंसेक्रम एंड नेक्स्ट एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स विच आर हॉलो एंड Have air cavities. They are called pneumatic bones. इनकी जो large bones है बड़ी अस्थियां वो hollow खोखले होती हैं उनमें air cavities भी रहते हैं जिनसे इनकी body light भी रहती है. लाइट यानी शरीर हल्का बना रहता है जिससे क्या होगा न्यूमेटिक बोन्स विच आर हेल्प्स इन फ्लाइंग. नेक्स्ट द स्किन अराउंड नोस्ट्रिल्स इज सेंसरी कॉल्ड सेरी. तो यहां पर एक बार देखेंगे आप कि साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन सेरिंग्स ह्यूमन में लेरिंग्स यहां पर है सेरिंग्स. द लास्ट वर्टिब्री लास्ट फ्यू वर्टिब्री आर फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म सिंसेक्रम. सिंसेक्रम एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स. बोन्स आर होलो and have air cavities so that such type of bones are called pneumatic bones and pneumatic bones are helps in flying. The skin around the nostrils इनके जो nostrils नासा छिद्र हैं उनके चारों ओर की skin sensory skin called cerri. Next क्लेविकल एंड क्लेविकल एंड इंटरक्लेविकल बोन्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म वी शेप्ड V-shaped furcula. It present या it is absent in flightless birds. क्लेविकल
क्लेविकल, जैसे अपना एक ग्रिडिल है, इसमें एक बोन स्केपुला और क्लेविकल, तो इनकी जो क्लेविकल और इंटरक्लेविकल बोन फ्यूज होकर के एक विश बोन बनाती है या वी शेप्ड फरकुला बनाती है। और फरकुला इज प्रेजेंट ओनली इन फ्लाइंग बर्ड्स, यहां पर कह सकते हैं कि इट इज एब्सेंट इन फ्लाइट लेस बर्ड्स। नेक्स्ट, आईज आर कंपेरेटिवली लार्ज एंड सराउंडेड बाई बॉनी प्लेट कॉल्ड स्केलेरोटिक ओसाइकल। स्केलेरोटिक ओसाइकल यानी आईज के चारों ओर एक बोनी प्लेट की कवरिंग है, वो बोनी प्लेट की कवरिंग क्या है? स्केलेरोटिक ओसाइकल। नेक्स्ट, निक्टाइटिंग मेम्ब्रेन इज वेल डेवलप्ड है ना, एक मेम्ब्रेन जो प्रोटेक्शन के लिए आईज को कवर करती है, निक्टाइटिंग मेम्ब्रेन। द निक्टाइटिंग मेम्ब्रेन इज वेस्टिजियल इन ह्यूमन, तो ह्यूमन में उसको क्या बोलते हैं? प्लीका सेमिलोनरिस। द निक्टाइटिंग मेम्ब्रेन इज वेस्टिजियल इन ह्यूमन कॉल्ड प्लीका सेमिलोनरिस, बट इट इज वेल डेवलप्ड इन बर्ड्स। They have monocular vision and telescopic vision. Monocular vision and telescopic vision. Monocular vision, both the eyes are focused on different objects. यानी दोनों नेत्रों को अलग अलग वस्तुओं पर फोकसित किया जा सकता है, केंद्रित किया जा सकता है, इट इज मोनोकुलर विजन। मोनोकुलर विजन इज मेनली फाउंड इन हर्बिवोरीज इन विच आईज आर लोकेटेड एट द लेटरल साइड ऑफ हेड रीजन। एंड बाइनोकुलर विजन, बाइनोकुलर विजन मोस्टली प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड इन कार्निवोरस एनिमल्स इन विच बोथ द आईज आर लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ फेस सो दैट बोथ द आईज कैन फोकस्ड ऑन सेम ऑब्जेक्ट। दोनों नेत्रों को एक ही वस्तु पर फोकसित किया जा सकता है, उसको बोलते हैं अपन बाइनोकुलर विजन। तो बर्ड्स हैव मोनोकुलर विजन एंड टेलीस्कोपिक विजन, यानी वस्तुओं को दूर से भी देखा सकता है, फार अवे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखा जा सकता है, जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है, ए कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर पेक्टिन इज प्रेजेंट इन आईज। Which is associated with, which is associated with accommodation and also provide nutrition to eyes।
कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, पेक्टिन इज प्रेजेंट, है ना, विच एसोसिएटेड विद एकोमोडेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू आई. वॉट इज एकोमोडेशन? एकोमोडेशन मीन्स द कैपेसिटी ऑफ आईज टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए क्लियर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज को बनाने के लिए जो आई के लेंस की फोकस लेंथ को चेंज करने की जो कैपेसिटी है उसको बोलते हैं अकोमोडेशन पावर. तो पेक्टेंस हेल्प इन अकोमोडेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू आईज. नेक्स्ट, एक्सप्रेशन बाय मेटानेफ्रिक किडनी. एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड. दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेशन. फोर चैम्बर हार्ट एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसी. बंद प्रकार का परिसंचरण, फोर चैम्बर्ड हार्ट एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसी. नेक्स्ट, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. हेपेटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड बट द रीनल पोर्टल सिस्टम रीनल पोर्टल सिस्टम इज वेस्टिजियल. हेपेटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड है लेकिन रीनल पोर्टल सिस्टम रिड्यूस्ड या लेस डेवलप्ड. स्कल इज मोनोकोंडाइलिक, इट मीन्स सिंगल ऑक्सीपिटल कोंडाइल इज प्रेजेंट. ओनली एम्फीबियंस एंड मैमल्स आर डाइकोंडाइलिक, एक्सेप्ट देम ऑल कॉर्डेट्स आर मोनोकोंडाइलिक. दे हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स. ऑल एमनियोट्स from reptile to mammals and reptiles, avies and mammals have 12 pairs of cranial nerves. It means they are amniotes because due to presence of extra embryonic membrane around the developing fetus. 12 pairs of cranial nerves. They are होम्योथर्मिक और वार्म ब्लडेड, इट मीन्स दे मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर. दे मेंटेन्स कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है. नेक्स्ट, यूनिसेक्सुअल एंड वेल डेवलप्ड
वेल डेवलप्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज मीन्स द मेल एंड फीमेल कैन बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। अगर बाह्य लक्षणों के आधार पर मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट किया जा सके तो उसको बोलते हैं अपन लैंगिक द्विरूपता यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज। फीमेल्स आर मोनोडेल्फिक, सिंगल ओवरी इज फंक्शनल यानी ओनली लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट आर आर फंक्शनल। मोनोडेल्फिक लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट आर फंक्शनल। दे आर ओविपेरस एंड ओविपेरस एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट है। एक इंपॉर्टेंट फीचर में क्या हुआ था कि द माउथ इज मॉडिफाइड इनटू टीथलेस बीक, माउथ इज मॉडिफाइड इनटू टीथलेस बीक। एग्जांपल देखेंगे, स्ट्रूथियो अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, कैमिल बर्ड, लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। जनरली यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट इन बर्ड्स बट दे हैव यूरिनरी ब्लैडर। रेहा अमेरिकन ऑस्ट्रिच, एप्टेरिक्स कीवी, पेक्टिन इज एब्सेंट इन कीवी, कीवी में पेक्टिन नहीं है, कीवी। नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी पेगो पेकॉक, आवर नेशनल बर्ड। सीताकुला पैरट, कॉर्वस क्रो, पैसर स्पैरो, कोलंबा पिजन पिजन, हेलेना हमिंगबर्ड और सनबर्ड। वल्चर दे आर द एग्जांपल्स ऑफ एविज, ऑस्ट्रिच कैमल बर्ड लार्जेस्ट लिविंग बर्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट, एप्टेरिक्स कीवी, रेहा
अमेरिकन ऑस्ट्रिच, कीवी इज द नेशनल बर्ड ऑफ द न्यूजीलैंड, पेवो पीकॉक नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री, सीताकुला पैरेट, कॉर्वस क्रॉ, पेसर स्पैरो, कोलंबा पीजन, हेलेना स्मॉलेस्ट बर्ड, स्मॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड ऑल्सो नोन एज हमिंग बर्ड और सनबर्ड और वल्चर। तो अपन ने यहाँ पर पढ़ा एविज के बारे में। एविज के स्पेसिफिक करेक्टर एलिमेंट्री कैनाल हैव टू एक्स्ट्रा चैम्बर्स क्रॉप एंड गिजार्ड विच आर रेस्पेक्टिवली हेल्प्स इन स्टोरेज द फूड एंड क्रिशिंग द फूड। नेक्स्ट फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। नेक्स्ट इन फ्लाइंग बर्ड्स द परकुला एंड सॉरी क्लेविकल एंड इंटरक्लेविकल फॉर्म ए वी शेप स्ट्रक्चर परकुला। नेक्स्ट एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ फीदर्स एंड हैव ओनली पीन ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ टेल विच मेक द फीदर्स स्मूथ एंड वाटर प्रूफ। Scales are present only on hind limbs. Bones are hollow, called pneumatic bones. Next, they are monodelphic, single ovary and single ovary duct are functional in female. They are first animal which are homeothermic in nature. इससे पहले reptile तो क्या था? They are poikilothermic. है ना, दे आर होम्योथर्मिक, इट मीन्स दे मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा अपने देखा इनमें पेरेंटल केयर इज ऑल्सो प्रेजेंट। पेरेंटल केयर भी इनके अंदर प्रेजेंट है। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ब्रेन इज वेल डेवलप्ड, विजन कौन सा मोनोक्यूलर विजन एंड टेलीस्कोपिक विजन। एक्सटर्नल ईयर्स आर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर भी हैं बट ईयर पिना इज एबसेंट। एक्सटर्नल ईयर है लेकिन ईयर पिना क्या है? एबसेंट है। तो ये पढ़ा अपन ने बर्ड्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैमल्स। मैमल्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन।